नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और आज रिवॉल्ट ने लॉन्च किया है अपनी दो नई इलेक्ट्रिक बाइक को, जिसमें से एक अभी हमारे सामने है जिसका नाम है RV1। इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। मात्र 84,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत इस वाले वेरियंट की रहने वाली है। इससे ऊपर वाले वेरियंट में जाते हैं, वहाँ पर 99,000 रुपीज़ हो जाती है। प्राइस दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फीचर्स, लुक, सभी चीज़ें आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ बैटरी पैक का यहाँ पर फर्क रहने वाला है, बाकी लुक्स आप देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की यहाँ पर बाइक लॉन्च की गई है। सभी फीचर्स मिलते हैं जहाँ पर स्प्लेंडर और CT 100 जैसी बाइक्स को लोग खरीदना पसंद करते हैं। उस सेगमेंट को किल करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च की गई है ये बाइक। बाकी लुक बहुत कमाल के हैं। पूरी वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। दोनों वेरिएंट भी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं जी डिटेल में। सबसे पहले फ्रंट में आप देखेंगे LED DRLs और LED हेडलैम्प का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हेडलैम्प इसके साथ में इंडिकेटर भी यहाँ पर LED में ही देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। बात करें सस्पेंशन की, तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। साइज़ बहुत ही ज़्यादा पतला सा यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट में है। सिर्फ 84,000 रुपये में इसे लॉन्च किया गया है। बाकी बॉडी कलर में ब्लैक कलर में यहाँ पर इसका फ्रंट में गार्ड है। छोटे पतले और बारीक से साइज़ में यहाँ पर दिए गए हैं इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक। लेकिन डिस्क ब्रेक अच्छी बात है, फ्रंट और रियर दोनों में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें टायर साइज़ के बारे में, 9080 का टायर साइज़ है। 17 इंचेस का यहाँ पर अलॉय रहने वाला है, ब्लैक कलर में ये भी दिया गया है पूरी तरीके से। बात करें साइड प्रोफाइल की, ये कुछ रहने वाली है। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है इसमें आपको। अभी जो है ये ब्लैक और रेड कलर का कलर कॉम्बिनेशन अभी आप देख रहे हैं। यहाँ से बॉडी काफ़ी ज़्यादा इसकी पहले की तरह ही आपको देखने को मिलेगी, जो रेनॉल्ट की बाकी बाइक्स आती हैं। बाकी बड़े साइज़ का लेग गार्ड यहाँ पर दिया गया है रिवॉल्ट की स्टिकर में। मैचिंग स्टिकर्स का ही पूरी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर फ्रंट फुटरेस्ट, रियर फुटरेस्ट, अच्छा फ्रेम इस्तेमाल किया गया है। रियर में भी आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे, कोई भी मोनोशॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्योंकि अगेन बता रहा हूँ, अफोर्डेबल सेगमेंट की ये बाइक लॉन्च की गई है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। RV1 और RV1 Plus में सिर्फ बैटरी का ही फ़र्क है, बाकी सभी चीज़ें सिमिलर हैं। बैटरी का क्या फ़र्क है वो भी बता दूंगा। 6 इंचज़ की यहाँ पर LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि कलरफुल तो नहीं रहती है, लेकिन आपको सभी यूज़फुल जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। 2 बटन यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि देखते हैं बाकी क्या कुछ है। तो बैटरी आपको परसेंटेज क्या कुछ है, ऊपर टेम्परेचर क्या कुछ है, RPM डिजिटल स्पीड, इसके अलावा ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, कौन से मोड में है। 3 मोड यहाँ पर मिलते हैं, जो कि यहाँ शो करने वाला है। अभी देखेंगे मोड, यहाँ से चेंज करेंगे। मोड चेंज किया हमने, इको मोड, सिटी मोड और ये स्पोर्ट्स मोड। इसके अलावा अगर इस बटन से आप चेंज करेंगे मोड, ये इको, सिटी और स्पोर्ट, इसे ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर लग जाता है इसका रिवर्स मोड। ये लग गया जी रिवर्स मोड। तो ये कुछ है, बाकी सभी वार्निंग लाइट्स यहाँ पर ऊपर की तरफ दिए गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर इसके कंसोल में यहाँ पर किया गया है। बाकी कंट्रोल्स क्या कुछ है, इग्निशन ऑन करने के लिए रेड कलर में स्विच है, 3 मोड्स यहाँ पर दिए गए उसके लिए स्विच। नीचे की तरफ स्टार्ट से यानी कि पार्क मोड से ड्राइव मोड में स्विच करने के लिए एक यहाँ पर स्विच, नहीं ये हॉर्न यहाँ पर दिया गया, सॉरी हॉर्न यहाँ पर मिल जाता है, हॉर्न की प्लेसमेंट। और इस साइड में हॉर्न दिया गया, ये किस चीज़ के लिए बटन दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अगर आपको जानकारी हो तो आप बता दीजिएगा, बाकी मुझे तो पता नहीं चला। बाकी एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया गया है राइट साइड में। इस साइड में देखेंगे लो बीम, हाई बीम, कोई भी लीवर आपको एडजस्टेबल देखने के लिए नहीं मिलेगा, ब्लैक फिनिश में है। साइड मिरर्स भी आपको ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी सिंगल हैंडल बार ब्लैक फिनिश यहाँ पर भी आपको मिलेगी। बाकी आपको CT 100 वाला ही पूरा इसका लुक देखने के लिए लगेगा। उसी सेगमेंट की बाइक है, बस ये है कि इलेक्ट्रिक में है, कि आपको सिंपल सी इस तरीके की मिलेगी रिवॉल्ट की बैचिंग के साथ में। की को प्लेस कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया इग्निशन ऑन। बहुत ही प्यारी सी लुकिंग बाइक की है, बाकी पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपके चार्जर भी आप साथ में ले जा सकते हैं। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबी यहाँ पर इसकी सीट रहने वाली है, कुशनिंग वो भी शानदार रहने वाली है। बाकी सीट को अनलॉक करके नीचे की तरफ आपको स्टोरेज भी मिल जाता है। एक बार कोशिश करते हैं, एक बार दिखा दें आपको स्टोरेज कैसा है। यहाँ पर की प्लेसमेंट हो जाती है और किस तरीके से है, सीट को ओपन कर दिया है, यहाँ पर चार्जर को रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा स्पेस है, चार्जर को रख सकते हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। अभी तक किसी भी आपको बाइक में इस तरीके का स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता है। ये रही ना, नीचे चाबी लगेगी ना, नीचे चाबी लगा। बाकी यहाँ पर एक और बड़ा चेंज यहाँ पर रिवॉल्ट की बाइक में जो आया वो है कि RV1 और RV1 Plus दोनों में ही आपको ये चेन ड्राइव सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जो कि पहले बेल्ट ड्राइव सिस्टम पर बेस होती थी रिवॉल्ट की बाइक, लेकिन अब यहाँ पर चेन ड्राइव सिस्टम आ चुका है। बाकी RV1 की शानदार सी बैचिंग यहाँ पर और अच्छे ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, बहुत ही प्यारी सी लुकिंग लगती है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पर रियर में दिए गए हैं और यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं इसकी
ये तो खोल दिया, ये खोल दिया, खुला हुआ है तो मैंने रखा ही है ऊपर ऐसे। बाकी बात करें रियर प्रोफाइल के बारे में तो ये कुछ रहने वाली है। रियर में हमें टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि एलईडी में दिए गए हैं। एलईडी ही यहां पर भी आपको इंडिकेटर मिलते हैं। एलईडी नंबर प्लेट सेक्शन के लिए लाइट, बड़े साइज का एक मरकार्ड दिया गया है, अच्छी लुकिंग यहां पर प्रोवाइड करता है। बाकी बात करेंगे एक बार इसके टायर सेक्शन के बारे में तो 17 इंचेस का ही होगा, बाकी 110/80 सेक्शन का टायर है और 17 इंचेस का यहां पर अलॉय दिया गया जो कि ब्लैकस्मिथ में मिलता है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट मिल जाती है, 6 इंचेस की यहां पर डिस्प्ले दी गई है। बाकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। बात कर लेते हैं बैटरी पैक के बारे में। 2.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक आपको मिलेगा RV1 यानी इस वाली बाइक के अंदर। रेंज कितनी प्रोवाइड करेगी 100 किलोमीटर्स की। प्राइस क्या है 84,000 प्राइस रहने वाली है इसकी एक्स शोरूम। बाकी RV1 प्लस की तरफ अगर आप जाते हैं वहाँ पर सिर्फ बैटरी पैक का डिफरेंस है, 3.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक उसके अंदर इस्तेमाल किया गया। बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा जिस तरीके से इस वाले वेरियंट के अंदर दिया गया। प्राइस उसकी कितनी है 99,000 उस वाले वेरियंट की प्राइस रहने वाली है। बाकी सब कुछ सिमिलर यही रहने वाली है वो भी बाइक। इसमें आपको रेंज मिलती है 100 किलोमीटर्स की, उसमें 3.24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है तो उसमें 160 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। बात करें टॉप स्पीड की 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसमें भी और उसमें दोनों ये चीज़ सेम रहने वाली है। बाकी मोड्स और बाकी सभी चीज़ें कंसोल सभी चीज़ें बिल्कुल ही यहाँ पर सेम रहने वाली है, कुछ भी वहाँ पर चेंज नहीं आया। बाकी बाइक आपको कैसे लगी, प्राइस सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, जो कुछ चेंज है वो बता दिया। अफोर्डेबल सेगमेंट में इस बाइक को लॉन्च किया गया, CT 100 और प्लेटिना जैसी बाइक्स को कॉम्पीट करेगी अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, वो आपको मिलती हैं पेट्रोल में लेकिन ये इलेक्ट्रिक में दी गई है, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूले और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।